श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य श्रृंखला। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब चलिए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वादशी बुधवार 3 जून 2020 है। श्री जी को आज चंदन चोली का श्रृंगार धराया जाता है। आज के मनोरथ के तहत राजभोग में आभरण बड़े कर चंदन की चोली एवं कली के आभरण धराए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उष्ण काल में सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होता है, तब अत्यधिक गर्मी से श्रमित प्रभु को शीतलता प्रदान करने की भावना से चंदन की गोली, चंदन की चोली, लपट झपट, खस खाना, जल विहार, शीतल जल से स्नान संध्या में करवाए जाने जैसे उत्तम मनोरथ माने गए हैं। यह सभी मनोरथ इन दिनों विशेष रूप में श्री जी में होते हैं। आइए प्रभु के दर्शन करते हैं, जिसमें आज की साज सेवा के तहत केसर एवं चंदन मिश्रित चंदनी रंग की मलमल की रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं श्री जी की वस्त्र सेवा में आज केसर मिश्रित चंदनिया रंग की मलमल की चोली एवं पिछोड़ा धराए जाते हैं। प्रभु के श्रृंगार आवरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठ हार, पोची, बाजूबंद आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर चंदनिया रंग की पाक के ऊपर सिर पेच तुर्रा एवं बाई ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में मोती के कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई जाती है। श्वेत पुष्पों की विविध थाक वाली दो सुंदर माला जी धराई जाती हैं। वहीं एक माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है। श्रीहस्त में 3 कमल की कमल छड़ी झीने लहरिया के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री चरणों में नूपुर अंगीकार करवाए जाते हैं। खेल के साज में प्रभु को आज पट एवं गोटी उष्ण काल के आते हैं। आज के मनोरथ के तहत राजभोग में सभी आभरण बड़े कर चंदन की चोली एवं कली के आभरण धराए जाते हैं। श्री जी को कीर्तन सेवा के तहत आज मंगला में चंदन चर्चित नील कलेवर, राजभोग में चंदन की खोरी किए चंदन पहरत श्याम बने, लालन पहरत है नव चंदन, आरती में पिछोरा खासा को कटी बांधे, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, मान के पद में पायन चंदन लगाऊं, पोड़वे के पद में रंग महल गोविंद पोड़े, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। शेष सभी सेवाएं जिनमें जल छिड़काव, पंखा, भोग सेवा आदि नित्य अनुसार जारी रहते हैं। ब्रजाधीश गुण गावे। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। यह जो नाम मनोरथ के दर्शन आप कर रहे हैं, यह श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली नवापुर के हैं। इसकी स्थिति के विषय में एक रोचक तथ्य है, आपसे साझा करते हैं। रंगावली नदी के किनारे स्थित नवापुर रेलवे स्टेशन एक बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। रोचकता यह है कि जब आप टिकट खरीदते हैं तो गुजरात में खड़े होते हैं और काउंटर महाराष्ट्र में होता है, यही सत्य है। आइए दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। मथुरा में नाना था।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुष्टि मार्ग भावना प्रदान मार्ग है। प्रभु के प्रति भाव ही यहाँ सर्वोपरि हैं। कोरोना के कारण लॉकडाउन के इस माहौल में प्रभु कहाँ कहाँ किस तरह से आनंद ले रहे हैं, आप भी दर्शन करें और आनंद। श्री जी तो सर्वत्र हैं, जहां वैष्णव हैं, भाव होना चाहिए बस। चलिए अब एक नजर डालते हैं नाथ द्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। यह प्रभु श्री जी की नगरी के कल के दृश्य हैं। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, बिजलियां चमकी और बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश हुई। हालांकि यह बारिश ऐसी नहीं थी जिसे उल्लेखनीय कहा जा सके, परंतु छतों एवं हल्के फुल्के गड्ढों में पानी अवश्य भरा था। परिणाम स्वरूप तपती हुई रोहिणी में प्रभु श्री जी की नगरी का मौसम ठंडा हो गया, यह लगातार दो दिन से देखा जा रहा है। बारिश का स्तर जो आप देख रहे हैं वह इतना नहीं है कि नगर की चौपाटी पर चल रहे कार्य को प्रभावित कर सके, लेकिन प्राप्त जानकारियों और छनकर आ रही खबरों के अनुसार इसे राजनीति अवश्य प्रभावित कर रही है। अच्छा कार्य है, समय पर हो जावे, प्रभु से यही प्रार्थना है। कोरोना अपडेट यह है कि 3 नए पॉजिटिव सामने आए हैं, पुराने इसके बावजूद भी कुल संक्रमितों की संख्या 39 ही है, लेकिन सावधानी तो आवश्यक है ही। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नगर के कुमारवाड़ा स्थित प्रसिद्ध हनुमान जी मंदिर से है, जहाँ पर कल नाम मनोरथ किया गया था। आप भी दर्शन करें और आनंद लें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य श्रृंखला। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य श्रृंखला के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, तरुण दवे, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, हरीश तिवारी एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। जय श्री कृष्ण।